ये है कि बानीहाल से रामबन की तरफ जाने वाला पहला टनल है, इसका जो ब्रेक जो है वो नीचे से ही लाइन रहेगी। से भी कि जरा अभी कितना टाइम लगना है इस टनल को और कितने टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अंदर का व्यू है, अंदर जो है वो काफी अंधेरा है। इसकी जो लेंथ है ना, इस वाले टनल की लेंथ है जो है वो है मीटर के करीब है से, और वहां से ना वहां से 100 से 150 मीटर काम कंप्लीट हो गया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। होप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ और खुश हूँ। तो भाई साहब, करते हैं स्टार्ट आज का एक फ्रेश व्लॉग। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शुक्रिया। तो भाई साहब, करते हैं स्टार्ट आज का एक फ्रेश व्लॉग। तो भाई लोग, अभी हमारी लोकेशन जो है एसी वेसी जगह पर है, नेशनल हाईवे के यहाँ पर चमलवास के मकाम पर, यानी चमलवास से थोड़ा आगे निकलने के बाद ये जो जगह आते हैं यहाँ पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बानीहाल से ना निकलने के बाद जो पहला टनल आता है यानी रामबन की, तो वो उस टनल का काम जो है वो कितना अभी तक हुआ है। ये जो टनल है गाइस, ये यहाँ से जाएगा और उस साइड निकलेगा, यानी वहाँ भी हम उस साइड से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर निकलेगा। बाकी व्यू जो है यहाँ का ये इस तरह का है कुछ व्यू। और ये जो टनल है गाइस, ये है कि बानीहाल से रामबन की तरफ जाने वाला पहला टनल है, इसका जो काम जो है वो चल रहा है। उस साइड देखेंगे कि जरा अंदर जाके कितना काम जो है इसका हुआ है। फिलहाल उसके बाद जो है ये बाहर का व्यू है, बाहर का काम भी अभी जो है वो चल रहा है, यानी वेल्डिंग वगैरह कंप्लीट है। अब शटरिंग भी डाल दी, अब टॉप का जो है टॉप वाला ही करना है। बाकी जो है इस साइड से वो एक लाइन है जो है वो इस साइड से जाएगी ये, और एक जो है वो नीचे से ही लाइन रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं और करते हैं बात इनसे भी कि जरा अभी कितना टाइम लगना है इस टनल को और कितने टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई लोग, ये जो व्यू है ना, ये टनल नंबर जो है टनल नंबर 13 है, टनल नंबर 13 के बाहर का व्यू है। और ये जो है यहाँ पे ये पुल बन रहा है, जैसे ये वाला पुल है ना, पुराना वाला पुल जो है इस तरह, इसी तरह का पुल जो है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे इसकी शटरिंग भी है जो कम्प्लीट हो गई है, बाकी कुछ लेबर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे काम कर रहे है। ये जो व्यू है, ये टनल के अंदर का व्यू है, अंदर जो है वो काफी अंधेरा है, तो जिसके कारण मशीनरी वगैरह जो है वो काम कर रही है, मशीनरीज वगैरह जो है वो अंदर काम कर रही है। अब हम दिखाएंगे कि दूसरे एंड से, कि जरा उस एंड से भी किस तरह कितना काम पहुंचा हो। बाकी ये जो व्यू है, ये यहाँ से बाहर का व्यू है। बाहर निकलने के बाद ना उस साइड से डूबे का जो है ऊपर से डबल हो जाएगा, एक ये नीचे से और एक ऊपर से। तो फिलहाल हम चलते हैं अभी आगे की ओर, अब उस साइड से भी दिखाएंगे कि कितना काम यहाँ का जो काम जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो थे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो जिसके कारण हम अंदर नहीं जा पाए। उनका कहना है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा टनल, और बानीहाल से आने वाला रामबन की तरफ ही पहला टनल। तो भाई लोग, अभी ना हम बाहर से जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो है T13 है ना, टनल नंबर 13 के बाहर से जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से ना आधा काम कंप्लीट हुआ था, तो उसके कारण हमें बाहर से आना पड़ा। तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनका कहना है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये जो काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, इस वाले टनल की लेंथ है जो है वो है 350 मीटर, यानी 350 मीटर के करीब है। तो भाई लोग, ये जो है ना, ये इस साइड का व्यू है, यानी रामबन से, रामबन वाले एंड का व्यू है। इसका काम जो है कल की परसों शायद शुरू करा है। इसका काम एक दिन हुआ है यहाँ से, और वहाँ से ना वहाँ से
100 से 150 मीटर काम कंप्लीट हो गया है। यह है इसका बाहर का व्यू, क्योंकि वहाँ ऊपर ना वहाँ पे जगह नहीं थी ऊपर जाने की ना, क्योंकि परसों के दिन ना वहाँ पे ऊपर से पस्सी गिरी हुई थी वो वाली साइड से, तो उस साइड से पस्सी गिरी हुई थी तो वहाँ ऊपर जाने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ से बनाने यहाँ से हमने सोचा कि हम क्यों नहीं यहाँ से हम वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। इस टनल जो है ये जो टनल बन रहा है T13 है, टनल नंबर यानी 13 है, 13 नंबर टनल जो है वो ये जो बनने जा रहा है। इसकी टोटल जो है वो लेंथ है 350 मीटर है, 350 मीटर के करीब जो है वो लेंथ है इसकी, और आने वाले 2 या 3 महीनों में जो है टनल नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये रहा पूरा व्यू यहाँ से बाहर का T13 के जो है इस साइड के यानी रामबन एंड्स का व्यू जो है वो ये है और बाहर वाला व्यू ये है। बाकी फिलहाल आज के वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और दिन और एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त अपने भाई सोहेल अर्शिद को। ओके बाय बाय।